ये सत्य की जीत का दिवस है और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें। आगे आगे पिता और पीछे पीछे बेटे, इस चेहरे का नाम बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे आर्यवंश सिंधिया का ये रूप कभी कभार ही नजर आता है। आपने सिंधिया को हमेशा नेता वाले ड्रेस में देखा होगा, लेकिन दशहरे के दिन सिंधिया का एक अलग ही रूप नजर आया। पूरे देश में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक वाला इस त्योहार पर हर चेहरे पर खुशी दिखी, हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहा। इस दिन शस्त्रों की पूजा की भी मान्यता है। अब सिंधिया राजसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो हर साल वो भी शस्त्र की पूजा करते हैं। हर साल की तरह सिंधिया ने इस दशहरे को भी शस्त्र पूजा की, लेकिन इस मौके पर उनका ड्रेस काफी चर्चे में रहा, क्योंकि इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी रियासत की राजसी वेशभूषा में नजर आए। इतना ही नहीं, इस मौके पर उनके बेटे आर्यवंश सिंधिया भी उनके ही साथ राजसी वेशभूषा में नजर आए। शस्त्रों की पूजा करने के बाद सिंधिया मीडिया से मुखातिब हुए, तब उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मेरे तरफ से हमारे सभी प्रदेश और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सत्य की जीत का दिवस है, ये न्याय की जीत का दिवस है, और हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। हमारे देश में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी दशहरे का त्योहार पूरी तरह से धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने से हर तरह की तस्वीरें, पहले तो दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर आई, उसके बाद रावण के पुतले के दहन की तस्वीरें भी सामने आई। देश के कई गणमान्य लोगों ने अपने अपने हिसाब से शस्त्र पूजा की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे आर्यवंश सिंधिया की तरफ से किया गया शस्त्र पूजा खास है, क्योंकि सिंधिया भले ही राजनेता हों, आज केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपने ग्वालियर रियासत परिवार के सदस्य हैं। ऐसे में उनकी तरफ से किया गया ये शस्त्र पूजा तो खास ही रहा। उनके शाही पोशाक ने सबका ध्यान भी खींचा। इस राजसी ड्रेस में सिंधिया कैसे लगे, इस बारे में आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये मौका राजनीति से ऊपर है और सिंधिया इस ड्रेस को पहनने के बाद राजनेता की भूमिका में कतई नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।